नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। जनपद बिजनौर में चुनाव आचार संहिता लगते ही जिले के अफसरों ने कमर कस ली है। बिजनौर की सभी 8 विधानसभा के रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अफसर नियुक्त कर दिए गए हैं। बिजनौर जिले में सभी 8 विधानसभाओं में दूसरे चरण में होगा मतदान, जिसके लिए 21 तारीख से 28 तक नॉमिनेशन होगा और 29 को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। साथ ही 31 को नाम वापसी की जाएगी और 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिनके परिणाम 10 मार्च को आएंगे। आज इस संबंध में बिजनौर डीएम उमेश मिश्रा और अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता कर चुनाव संबंधी जानकारी दी गई। बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की रिपोर्ट। आपकी ओर से क्या क्या व्यवस्था की गई है? आम लोगों की जो धारणा है, चूँकि अब तक समाज उसकी बीजेपी की सरकार रही है, सत्ता पक्ष के लोगों की सरकार रही है, जिले में 5 विधायक उसके भारतीय जनता पार्टी के हैं, लोगों में आम धारणा है कि उनके अधिकारी हैं। ऐसे में अधिकारी अपनी निष्पक्षता किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, इसके बारे में कोई कार्य योजना है आपका? देखिए, ये कोई पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जो परिस्थितियाँ हैं ये पहली बार परिस्थितियाँ हैं। हम लोग माननीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत काम करने वाले वर्तमानी हैं। हम माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% अनुपालन किया जाएगा। हमारे लिए हर व्यक्ति बराबर है, जैसा कि मैंने पहले कहा, सभी को एक जैसा अवसर दिया जाएगा, एक जैसी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। कोई भी ऐसा कार्य किसी भी स्तर पर, यदि कहीं भी पाया जाता है कि किसी के स्तर से कोई भी पक्ष किया जा रहा है, किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और आप इसके लिए सुनिश्चित रहिए, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में मैं ये कमिटमेंट है कि बिल्कुल निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव किया जाएगा। वो इस बार भी अगर चुनाव में आते हैं, क्या उनकी विशेष निगरानी कराई जाएगी, जो बार बार उल्लंघन करते आ रहे हैं पिछले चुनावों में भी? नहीं, जो उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी, जो सम्यक धारा है उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। नहीं, इसमें एक चीज और है कि यदि किसी का में कुछ अगेंस्ट लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्रवाई उनकी की गई, कोई उनके क्रियाकलाप इस प्रकार फाइंड किए गए पाए गए हैं, तो उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई बड़ी प्रभावी ढंग से इस बार की गई है अभी और भविष्य में भी की जाएगी। नहीं, कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं इस प्रकार के, जो पहले मैं खुराफाती रहे हूँ और उन्होंने मतदान प्रक्रिया को बाधित किया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं अपने जनपद में। नहीं नहीं है, आप लोग भी हैं, पॉकेट्स हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, इस प्रकार का कोई अभी हमारे संज्ञान में, आप लोग संज्ञान में बताएं कि कोई ब्लॉक या कोई विधानसभा इस रूप में हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया है। लेकिन जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा किया गया है, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है प्रभावी ढंग से, उनके निरुद्ध करके, और काफी बड़ी संख्या है जिनमें हम लोगों ने गुंडा एक्ट किया है, एनएसए की कार्रवाई की गई है, गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, 107-16 की कार्रवाई की गई है पूरे प्रदेश में। मैं यहाँ पुलिस अधीक्षक को और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि बहुत इफेक्टिव ढंग से इस बार निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण सबसे संपन्न हो सके। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।